चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत पेशम पंचायत के शिक्षित, सभ्य, लोकप्रिय एवं कर्मठ मुखिया श्री टूपलाल प्रसाद वर्मा जी। तो आज के इस विशेष पेशकश में बात करने जा रहे हैं टूपलाल प्रसाद वर्मा जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि एक मुखिया होने के नाते इन्होंने अपने पंचायत पेशम के आम जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं, इनके पंचायत की आम जनता कौन कौन से सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुई है इनके द्वारा, और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे इनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर। तो सबसे पहले तो वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी, आप लगभग 5 वर्षों से पेशम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप इस पंचायत के मुखिया हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे देश भर के जो दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहेंगे कि एक मुखिया के रूप में अपने पंचायत वासियों के लिए पिछले लगभग 5 वर्षों में आपने कौन कौन से काम किए हैं जिनसे आपके पंचायत की आम जनता लाभान्वित हुई। सर्वप्रथम हम अपने पंचायत के तमाम परिवारों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे पेशम पंचायत को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। इस बीच में सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत तमाम घरों को शौचालय उपलब्ध करवाया, तत्पश्चात पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के तहत हर घर हर नल योजना को मैंने लागू कराया पूरे परिवार पूरे पंचायत में। इस बीच मैं 14वीं वित्त मद से अनेकों योजनाओं को संचालित किया है, जैसे कई एक पीसीसी पथ का निर्माण, कई एक छठघाट का निर्माण, कई एक श्मशान सेट का निर्माण, कई एक नाली का निर्माण, कई एक चापाकल का अधिष्ठापन, हैंडवाश का निर्माण इत्यादि अनेकों प्रकार की योजनाओं को मैं अपने पंचायत के तमाम वार्ड सदस्यों के सहयोग से ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं को संचालित विधिवत मैं अपने करवाया हूं। टूपलाल प्रसाद वर्मा जी अपने पंचायत पर स्तर पर किए गए कार्यों के विषय में हम सभी को जानकारी दे रहे थे। निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में इन्होंने कर्मठ मुखिया के रूप में अपने पंचायत का हर क्षेत्र में उद्धार किया है, हर क्षेत्र में इनके कार्य किए गए हैं इनके द्वारा, और इनके कार्य सराहनीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपके पंचायत में जो आम गरीब जनता है उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन बुनियादी आवश्यकताओं पर आपके पंचायत की क्या स्थिति है और आपने अपने पंचायत की आम जनता के लिए इन इस क्षेत्र में कौन कौन से काम किए हैं? मैं सर्वप्रथम अपने पंचायत के वैसे परिवारों को चिन्हित करते हुए पंचायत भवन में कैंप लगवाकर आधार कार्ड बनवाया, तत्पश्चात तमाम परिवारों को जनधन खाता कैंप लगाकर मैं करवाया, और अपने पंचायत के सभी 10 वार्ड को लेकर एक कार्यकारिणी का बैठक आयोजित, स्पेशल वो हमारा कार्यकारिणी का बैठक विशेष परिस्थिति में आयोजित की गई थी, और मैंने चिन्हित करवाया अपने पंचायत के वैसे तमाम गरीब परिवारों को जो योग्य हैं, जिन्हें वृद्धा पेंशन नहीं दिया जा रहा उन्हें वृद्धा पेंशन में दिलवाया, ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है। मैं वैसे चिन्हित परिवारों को जो वर्तमान सेख डाटा में पीएम आवास के लिए नाम जोड़ा गया था, मैं वैसे तमाम परिवारों को प्रधानमंत्री आवास अपने अनुशंसा से उपलब्ध करवाया, और वर्ष 2011 के सेख डाटा को मैं पूरी तरह से जो कि परिवार को उपलब्ध करा दिया है, और अब कुछ ही दिनों के अंदर आवास प्लस से वैसे गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
ये हमारा प्रयास है। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है, उम्मीद करते हैं आप अपने प्रयास में सफल रहेंगे। किसी भी पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे देश भर के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि पेशम पंचायत में इन मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर आपने अब तक क्या क्या काम किया है। मैं सर्वप्रथम पेशम पंचायत के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र जो अधूरा पड़ा था, मैं उसे पूरा करते हुए विधिवत उसे संचालित करवाया और तमाम परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो सके इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करते हुए अविलंब मैं एक नर्स की व्यवस्था, एक डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ पर मैंने करवाया है, जिससे तमाम परिवारों को लाभ मिला है। स्वास्थ्य के लिए आपने अच्छा मेहनत किया। तत्पश्चात मैं अपने पंचायत में उच्च विद्यालय पेशम को विधिवत संचालित करवाया है, भवन अधूरा था, भवन को पूरा करवाया और विधिवत वहाँ वैसे तमाम बच्चों एवं बच्चियों की पढ़ाई सुनिश्चित हो इसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों से बात करते हुए और उसे संचालित करवाया है। पैदल की परिस्थिति को देखते हुए हमने वैसे तमाम जगहों पर जहां पानी का काफी किल्लत था, पानी का काफी संकट था, वैसे स्थानों में मैंने चापाकल का अधिष्ठापन करवाया और पाइपलाइन जलापूर्ति के माध्यम से पंचायत के तमाम क्षेत्रों में तमाम परिवारों को जल नल की व्यवस्था की गई है। सड़कों की क्या स्थिति है आपके? मैं अपने पंचायतों में एक राजस्व ग्राम, ग्राम सुयाडी जहां हमारा अपना निवास स्थान है, मैं निवर्तमान विधायक माननीय नागेंद्र महतो जी से मिलकर अपने गांव का 5 किलोमीटर का सड़क पीसीसी एवं कालीकरण करवाया, शेष तमाम गलियों को या तो वह पीसीसी से आच्छादित किया या तो फेबर ब्लॉक से आच्छादित किया, तमाम गलियों को मैंने पथ से जोड़ दिया है। पंचायत भवन तक हमारा पथ का कार्य भी प्रगति पर है और ऐसे तमाम पंचायत के गलियों को, तमाम गांव के मुख्य सड़कों को मैंने बनवाया है। बिजली की क्या वर्तमान स्थिति आपके? तमाम घरों को बिजली की व्यवस्था उपलब्ध करवाया है मैंने। मेरे पंचायत के 3 राजस्व ग्रामों में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर मैं बिजली की व्यवस्था नहीं करवाया हूँ। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट्स जो है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था में तमाम पथ एवं गली तक मैं स्ट्रीट लाइट को लगवाया हूँ। बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। तो टूपलाल प्रसाद वर्मा जी, अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उन सभी आवश्यकताओं में जो इन्होंने काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने विस्तार से रख रहे थे और निश्चित रूप से इनके कार्यों को सुनकर ऐसा लगता है कि एक अच्छे और सच्चे कर्मठ मुखिया के रूप में इन्होंने अपने पंचायत का हर क्षेत्र में विकास किया है। धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। मुखिया जी, कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपने अपने पंचायत की आम जनता के लिए कौन कौन से काम किए जिससे आपके लोग जो हैं वो लाभान्वित हुए, उन्हें लाभ पहुंचा? मैं सर्वप्रथम COVID-19 को देखते हुए सर्वप्रथम अपने पंचायत में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। कार्यकारिणी बैठक आयोजित कर मैंने अपने पंचायत के वैसे परिवारों तक COVID-19 का लाभ पहुंचे इस निमित्त मैंने बैठक में प्रस्ताव पारित करवाया, मास्क वितरण करवाए, लोगों को जागरूक करने के लिए मैं स्वयं टेम्पू चलाकर पूरे पंचायत में भ्रमण किया, एक एक परिवारों को मैंने जागरूक किया और कई एक ऐसे टोले मोहल्ले में जहां गंदगी थी DDT का छिड़काव करवाया, पूरे पंचायत में सैनिटाइज करवाया, इन तमाम कामों को मैंने अपने स्तर से करवाया है और कई एक परिवारों को राशन भी मैंने उपलब्ध करवाया। वैसे परिवारों को जो परिवार लाचार है उस परिवार में भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वैसे परिवारों को मैं चिन्हित अपने कार्यकारिणी के माध्यम से करते हुए और उन्हें राशन उपलब्ध करवाया है। आप सुन रहे थे टूबलाल प्रसाद वर्मा जी को, लोकप्रिय मुखिया पेशम पंचायत बिरनी प्रखंड के। कोरोना महामारी के दौरान अपने पंचायत स्तर पर किए गए कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे। निश्चित रूप से इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। सर्वप्रथम इन्होंने अपने पंचायत के लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया, उनको अवेयर किया। जो बाहर से मजदूर पलायन करके वापस लौटे थे इनके गांव, उन सभी को कोविड टेस्ट उनका करवाया गया, उन्हें क्वारंटाइन करवाया गया, लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे गए, गांव के गलियों में फॉगिंग करवाया गया, लोगों के बीच राहत सामग्री और सूखे अनाज का वितरण किया गया, लोगों को हर संभव
तरीके से इन्होंने जागरूक किया, लोगों के बीच 24 घंटे तत्पर रहे और एक सच्चे और अच्छे कर्मठ मुखिया के अनुसार इन्होंने अपने पंचायत में निरंतर काम किया कोरोना जैसी महामारी के दौरान। धन्यवाद। झारखंड में पंचायत का चुनाव लगभग टल चुका है अनिश्चित काल के, कब होगा ये संशय की स्थिति है। आप एक मुखिया है, एक मुखिया के रूप में आप झारखंड सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? मैं झारखंड सरकार से मांग रखना चाहूंगा, आप समय पर पंचायत का चुनाव करावें। अगर COVID-19 के कारण समय पर चुनाव आप नहीं करा पाते हैं, इन हालातों में आप पंचायती राज व्यवस्था को भंग न करें। पंचायती राज व्यवस्था को भंग करने से गांव ग्राम में जो विकास की कड़ी है, विकास की जो गति है, उसमें बाधा होगा और तमाम परिवारों को जो सुविधा पंचायत स्तर से दी जाती है उसमें गतिरोध लगेगा। हम अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे झारखंड सरकार से कि आप पंचायती राज व्यवस्था को कायम रखें एवं वित्तीय शक्ति झारखंड प्रदेश के तमाम मुखिया को अगले आदेश तक आप सुनिश्चित हो, इसके लिए पत्र जारी करें। पूरे प्रदेश में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं चुनाव समय पर होगा, मुखियाओं की वित्तीय शक्ति बरकरार रहेगी, पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा, ये तमाम प्रदेशों में उहापोह की स्थिति है। अतः मैं निवेदन करता हूं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, एक पंचायत का निचले इकाई होने के नाते, कि तमाम जनताओं के अरमान को देखते हुए आप पंचायती राज व्यवस्था को अगले आदेश तक कायम रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को अगले आदेश तक कायम रखें, ये आग्रह है इनका झारखंड की हेमंत सरकार से। चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो और अगर चुनाव टल जाए तो ऐसी स्थिति में मुखिया जो पूरे झारखंड प्रदेश के हैं, इनके कार्यकाल का वित्तीय शक्तियों के साथ विस्तारीकरण किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आम जनता को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि झारखंड की हेमंत सरकार माननीय मुखिया पेशम पंचायत श्री टूपलाल प्रसाद वर्मा जी के इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। पेशम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक मुखिया के रूप में, क्या आने वाले समय में जब एक बार फिर से पंचायत का चुनाव झारखंड में होगा तो आप इस पंचायत की आम जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी एक बार फिर से सामने नजर आएंगे? बिल्कुल, मैं अपने द्वारा किए गए तमाम कार्यों की उपलब्धियां को गिनाते हुए जनता के उन तमाम अरमानों को मैं पूरा किया हूँ, प्रयास हमारा जारी अभी भी है और मैं एक बार उम्मीद भी रखूंगा, जनता से एक अपेक्षा भी रखूंगा और जनता की अपेक्षाओं को के अरमानों को पूरा करने के लिए मैं चाहूंगा चुनाव लड़ेंगे फिर से चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव अगर लड़ेंगे आप तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं या फिर क्या आपका कहना है आपके जीत के प्रति? अभी तक तो जो हमारा प्रयास रहा, हम मेरे द्वारा जो किए गए कार्यों को मैंने अनुभव किया, जनता ने जो एक पूरे क्षेत्रों का जो विकास की रूपरेखा को देखा है, जिससे लगता है कि मुझे चुनाव जीतने में कोई कठिनाई। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो कितना प्रतिशत आप सुनिश्चित हैं अपने जीत के प्रति? हम तो अभी 100% सुनिश्चित हैं चुनाव से। वजह क्या है? वजह यही कि मेरे द्वारा जो किए गए कार्य हैं, मैं अपने क्षेत्र के तमाम युवाओं को, तमाम अभिभावकों को, तमाम माताओं बहनों को जो सुविधा उपलब्ध कराया, जो मैंने अपने स्तर से जो सम्मान दिया लोगों को, इसके नाते मैं चाहता हूं कि लोगों का अरमान मेरे प्रति पुनः एक बार हो और मुझे फिर से मुखिया बनने का अवसर लोग प्रदान करें। चुनाव फिर से लड़ेंगे और जीत इनकी सुनिश्चित है, 100% आश्वस्त हैं ये अपने जीत के प्रति। वजह इसकी ये है कि इन्होंने सच्चे मन से अपने पंचायत के हर वर्ग का समान रूप से सेवा किया है, सबका विकास किया है, सबका साथ दिया है, ये मानना है श्री टूपलाल प्रसाद वर्मा जी का, जो कि लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया है पेशम पंचायत बिंदी प्रखंड गिरिडीह जिला के। हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं टूपलाल प्रसाद वर्मा जी के साथ है। मुझे उम्मीद है कि जो आपकी अपेक्षा है, जिस तरह से आपने अपने पंचायत की जनता के लिए काम किया है, आपके पंचायत की जनता एक बार पुनः आपको इस पंचायत का नेतृत्व करने का मौका और अवसर देगी। और यदि आपको एक और अवसर मिलता है यहाँ की जनता की तरफ से, तो मुझे आशा है कि आपने जो विकास पिछले कार्यकाल में किया है या इस कार्यकाल में आप कर रहे हैं, आने वाले कार्यकाल में आपके विकास की गति और भी तीव्र होगी। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरडी प्रखंड अंतर्गत पेशम पंचायत में और इस पंचायत के लोकप्रिय शिक्षित सभ्य और कर्मठ मुखिया श्री टूपलाल प्रसाद वर्मा जी इस समय हमारे साथ यहाँ खड़े। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पंचायत के अलग अलग गांवों और वार्डों के कई ग्रामीण भी हमारे साथ यहाँ खड़े, वृद्ध युवा हर वर्ग के लोग। तो आइए बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और इन ग्रामीणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इनके राय यहाँ के मुखिया के कार्यों के विषय में क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। मेरा नाम अवध किशोर पांडे। पांडे जी, आप ये बताइए कि मुखिया जी का नाम क्या है। हमारे पंचायत के मुखिया जी का नाम श्री टूपलाल प्रसाद वर्मा। कैसा काम करते हैं वर्मा जी? उनके काम करने का जो शैली है और जनता के दिल में जगह इस तरह बनाए हैं, जिसका वजह है कि इनको मुखिया का प्रभार मिला। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पुनः आगामी चुनाव में भी सीट इन्हीं को मिले, ताकि जिस तरह से पूरी जनता का बेहतर काम इन्होंने बहुत बढ़िया किया है और इनका मानना है कि आने वाले टाइम में चुनाव होगा तो फिर से एक बार इन्हीं को मौका दिया जाएगा, क्योंकि इनके काम बहुत अच्छे हैं। आपका क्या नाम हुआ? प्रेम मुंशी कुमार। प्रेम मुंशी कुमार जी, आप बताइए कि मुखिया जी का कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगता है? सर, वैसे तो मुखिया जी ने जितना भी इस पंचायत में अपने विकास का काम किया, सारे काम अच्छा लगा है। और हम लोगों ने जो 5 सालों में इनकी विकास की जो लहर देखा है, यह यहाँ के पंचायत के सभी वासियों को इससे खुशी मिली है। पंचायत के सभी लोग खुश हैं इनके काम से। मुखिया जी का काम बहुत ही बढ़िया है, कहना है यहाँ के एक ग्रामीण का। आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार। विजय जी, आप बताइए कि इस पंचायत के जो गरीब लोग हैं उन्हें आवास का लाभ कितना मिल पाया है और शौचालय से कितना लाभान्वित किया है यहाँ के मुखिया जी ने? लगभग सेक डेटा में जितना भी सूची में नाम है, मेरे ख्याल से, मैं भी एक वार्ड सदस्य हूँ, मेरे ख्याल से सभी को लाभान्वित हुआ है, सभी को मिला है, सबको लाभ पहुंचा है। आप सुन रहे थे पेशम पंचायत के अलग अलग लोगों की राय। सारे लोगों की राय मुखिया जी के विषय में समान है। सारे के अनुसार, सभी लोगों के अनुसार मुखिया बहुत ही कर्मठ है और बहुत ही ईमानदारी के साथ एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने पंचायत का विकास किया है, हर वर्ग का विकास किया है। लोगों का कहना है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से इस पंचायत का मुखिया श्री टूपलाल प्रसाद वर्मा जी को ही बनाया जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ इस समय पेशम पंचायत के एक वृद्ध हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम इतवारी महतो है। महतो जी, आप क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी के विषय में? मुखिया जी, सबसे पहले स्कूल का निरीक्षण किए, किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या सात्विक साधन, इन्होंने विश्वास करके के उन्हों को पढ़ाया समझाया कि सात्विक क्या है, विचार क्या है, किस ढंग से माता पिता से बात किया जाता है, बड़ों को किस तरह से आदर किया जाता है। उसके बाद हर जनता के साथ घूम घूम करके इन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, देखकर के इन्होंने काम अपना किया। इनका काम आपको पसंद है? पसंद है जी। हाँ। फिर से इनको मुखिया बनाएंगे? जी हाँ। वृद्ध का कहना है कि मुखिया जी बहुत अच्छे हैं। ये जो बाबा हैं, इनका कहना है कि इन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया है, मुखिया जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, चहुंमुखी विकास हुआ है इस पंचायत में इनके नेतृत्व में। दोबारा नेतृत्व की जिम्मेदारी फिर इन्हीं को देने की तैयारी यहाँ के लोग। 21 के झारखंड प्रभारी शमशी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ ही चैनल का भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।